हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनय डेकेयर में स्वागत है। वैदिक सभ्यता, भारत के प्राचीन इतिहास। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर विनय यादव भारत के इतिहास को कवर करूंगा। यदि आप CGPSC प्री 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक स्मार्ट कोर्स, जिसके माध्यम से आप CGPSC प्री की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अभी तक हमारे चैनल में 18,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर है, तो आप भी जुड़िए, ये 20,000 जल्द हो जाएगा। आर्यों के मूल निवास संबंधित प्रश्न बहुत ही विवादास्पद रहा है। विभिन्न विद्वानों ने उनके निवास स्थल को भिन्न भिन्न स्थानों पर बताया है। एक मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास अल्पास पर्वत है मध्य यूरोप में। ये देख रहे हैं, ये अल्पास पर्वत है, इसके पूर्वी क्षेत्र ये वाली क्षेत्र में एक स्थान है यूरेशिया, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। वहीं से आर्य निकलते हुए मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के हरियाणा और पंजाब में पहुंचे थे और यहीं रहने लगे। मैक्स मुलर नामक एक विद्वान हैं जिनके अनुसार आर्यों का निवास स्थल मध्य एशिया माना गया है और यही जो अवधारणा है वही मान्य है। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया फिर ईरान पहुंचे, तो उसी मत के अनुसार यदि देखें तो यूरोप से निकलते हुए अल्पास पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से निकलते हुए, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है, वहीं से आगे बढ़ते हुए आर्य मध्य एशिया पहुंचे। मध्य एशिया के बाद ईरान, पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर भारत पहुंचे। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो भारत में आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। प्रारंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और हरियाणा से था। सिंधु आर्यों की प्रमुख नदी थी। सिंधु नदी आर्यों की प्रमुख नदी थी क्योंकि उसी के आसपास ये निवास करते थे और उन्होंने लगभग 36 बार इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया है। वैदिक सभ्यता, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। यह एक भाषाई विचार है, न कि प्रजाति। आर्यों का मूल स्थान अल्पास पर्वत के आसपास माना जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया में है। वहीं से आर्य भारत आए थे। विभिन्न मत है विभिन्न विद्वानों का। यूरोप का सिद्धांत, इसे विलियम जोन्स ने दिया था। इसके आधार है संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता। उस समय ये मानते थे कि संस्कृत और यूरोपीय भाषा दोनों में काफ़ी समानता है। दूसरा सिद्धांत दिया था उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिब्बत का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे या इसे प्रतिपादित किया दयानंद सरस्वती ने। तीसरा सिद्धांत है मध्य एशिया का सिद्धांत, इसे प्रतिपादित किया था मैक्स मुलर, और यही जो सिद्धांत है अभी वर्तमान में सर्वमान्य है। मैक्स मुलर इसकी प्रमुख आधार था भाषाई समानता। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इस काल की जानकारी का मात्र एक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। भारत में आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र में आकर बसे। इसे सप्त संध्यव प्रदेश कहा जाता है। सप्त संध्यव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सात नदियों का क्षेत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है सात नदियों का क्षेत्र। ये सात नदियाँ सिंधु, कुंभा जिसे काबुल नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है, सतुद्री, सतलज नदी, विपासा, व्यास, पारुणी, रावी नदी, असिकमी, चिनाब और वितस्ता, झेलम। वितस्ता को अभी वर्तमान में झेलम नदी कहा जाता है।
आर्यों की सर्वाधिक वंदनी नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। वे सिंधु नदी की वंदना करते थे और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। यहाँ की राजनीतिक दशा कैसे थी? तो आर्यों का जीवन कबीलाई था, ये कबीले में रहते थे, क्योंकि प्राचीन काल में यदि देखें तो लोग कबीले में ही रहा करते थे और कबीले में एक प्रमुख होता था, प्रधान होता था, जो राजा होता था, आजन अर्थात राजा होता था। एक परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे जिसे कुल गृह कहा जाता था। एक साथ निवास करते थे उसे कुल कहा जाता था या गृह कहा जाता था। कुल का मुखिया कुलप होता था। बहुत से कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, विष का प्रमुख विषपति होता था। अनेक विष मिलकर जन बनाते थे, जन का प्रमुख राजन होता था, इसे राजन कहते थे। वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र राजा के हाथों में होता था। राजा कौन होता था? कबीले का प्रधान होता था राजा, जन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का मुखिया होता था, उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे क्योंकि उसे कबीलों की सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था। कबीले में जो आम सभा होती थी उसे समिति कहा जाता था। अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले के पशु की रक्षा करता था, युद्ध में करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभा, समिति, विदत एवं गण, ये सब आपस में एक संगठन होते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य को देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। अब आगे बढ़ते हैं। राजा कबीले का मुखिया होता था जिसे वे लोग राजन कहते थे। राजा का कार्य प्रजा और पशुओं की सुरक्षा, युद्ध नेतृत्व, न्याय आदि करना था। राजा का चुनाव समिति नामक संस्था करती थी। और समिति कैसे बनता था? ये आम सभा से बनता था। आम सभा, सभा वर्तमान में अभी लोकसभा, वर्तमान में तुलना करें सभा की तो वर्तमान का ये लोकसभा है। सभा में राजा के सहयोग के लिए कुछ चुने हुए सदस्य होते थे। सभी मंत्री परिषद के समान होता था। समिति की तुलना करें अभी वर्तमान में तो ये था राज्यसभा। समिति में कबीले के सभी लोग शामिल होते थे और यह संस्था राजा का चुनाव करती थी। विदत, यह आर्यों की प्राचीनतम परिषद थी। प्रमुख अधिकारी यहाँ पर पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी तथा वज्रपति, चारागाह का अधिकारी, यहाँ पर कर संग्रहक अधिकारी नहीं था। प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से दान दे देती थी, जो बलि कहलाता था। यहाँ की सामाजिक दशा देखें तो यहाँ की सामाजिक दशा पितृसत्तात्मक समाज था। नारियों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता थी कि वे यज्ञ में जा सकते थे, सभा में जा सकते थे, समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकती थी। नियोग प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह का भी अस्तित्व था। स्त्रियों की शिक्षा का उचित प्रबंध था। सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। जाति प्रथा का विकास अभी तक आर्य में नहीं हुआ था। आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष हुआ, जिन्हें वे दास दस्यु पुकारते थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त दशम मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संकेत है। छुआछूत का प्रचलन नहीं था, समाज समतावादी था। यहाँ की आर्थिक दशा देखें तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालक थी। सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय होती थी और गाय के लिए ये लोग युद्ध करते थे, आपस में लड़ाई करते थे। कृषि गौड़ पेशा था। उपज जौ की होती थी। धान्य, यव शब्द का प्रयोग हुआ है, धान के लिए यव शब्द का प्रयोग होता है, जो एक प्रकार का अनाज होता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अर्थात जौ का उल्लेख है। संभवतः यह शब्द अन्न का पर्यायवाची है।
आर्यों को लोहे के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था। उस समय वस्तु विनिमय किससे होती था? डिस्क स्वर्ण आभूषण के माध्यम से होता था वस्तुओं का विनिमय। बाद में वे लोग सिक्के का प्रयोग करने लगे। मना तौल की इकाई थी, वहां की तौल की इकाई मना थी, ये मना। धार्मिक दशा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिन्हें वे पुरंधर कहते थे। पुरंधर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते थे। दूसरा स्थान अग्नि का है। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि में की गई है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी बताया गया है। चौथे स्थान पर सोम का है, जो वनस्पति का अधिपति है। मारुत अर्थात तूफानों का देवता थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो समृद्धि की स्तुति में समर्पित है। अन्य तथ्य देखें तो आर्यों के राजा दिवोदास ने अनार्य दस्युराज संभर को परास्त किया था। आर्यों के राजा दिवोदास थे, उन्होंने अनार्य जो आर्य नहीं थे उसके राजा दस्युराज संभर को परास्त किया। दस राज्य अर्थात दस राजाओं का युद्ध पारुणी, जो कि वर्तमान में रावी नदी है, के तट पर हुआ है। इनमें से एक ओर सुदास, दूसरी ओर दस राजा थे। युद्ध में दस राजा परास्त हो गए। बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। अनेक वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। वैदिक संस्कृति मुख्यतः पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्रों में केंद्रित थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, विश्वावरा, सिक्ता, निवावरी, घोषा आदि विदुषी स्त्रियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। कुल वंश तथा गोत्र का संबंध परिवार से है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।